साल 2022 में ये वो वक्त था जब हर किसी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार था। 8 दिसंबर को परिणाम आए और 11 दिसंबर को हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब साल 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और लगभग अब साल 2023 का अंत आ चुका है और इस सरकार को हो चुका है एक साल का कार्यकाल पूरा। और सरकार दावा कर रही है कि एक साल का ये कार्यकाल रहा है व्यवस्था परिवर्तन वाला कार्यकाल और नए दौर वाला कार्यकाल। हमारे साथ सरकार के एक साल पर कामकाज के बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। सरकार कह रही है नए दौर वाला ये साल रहा और व्यवस्था परिवर्तन वाली ये सरकार है। सर, व्यवस्था परिवर्तन नज़र आता है आपको भी हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल, व्यवस्था परिवर्तन तो है कि मुख्यमंत्री ही आर्थिक उसका कुप्रबंधन का रोना रो रहे हैं, खजाना खाली होने का रोने रोए। जिस परिवार का मुखिया ही आर्थिक स्थिति का रोना रोए या खजाना खाली होने का रोए रोना रोए, उस परिवार का क्या होगा। ये मुख्यमंत्री एक साल से एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि खजाना खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता, खजाना खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज एक साल बाद जश्न मनाने के लिए करोड़ों रुपये उस जश्न के कार्यक्रम पर खर्च होंगे, तो ये ऐसा व्यवस्था परिवर्तन उनको मुबारक है। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी कानून व्यवस्था थी, शांतिप्रिय प्रदेश था, हर सरकार विकास करती थी, जनहित में काम करती थी। परंतु इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने विकास कार्य ठप कर दिए, पिछली सरकार द्वारा खोले हुए संस्थान बंद कर दिए, जनहित की योजनाएँ बंद कर दी और जो है जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। ये अजीब सरकार है और मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार हर फ्रंट पर हर क्षेत्र में फेल रही है। सर, वो कहते हैं कि आर्थिक बदहाली की वजह आप लोग हैं, आप लोगों ने इतना कर्ज छोड़ दिया और उनकी तो हालत ख़राब हो गई, और जब उन्होंने सत्ता में आकर देखा कि कर्ज तो इतना ज़्यादा है, फिर वो परेशानी में आ गए कि अब कैसे सरकार चलाएंगे आगे। देखिए, ये तो बहाने हैं, यहाँ सब जग जाहिर है। हिमाचल प्रदेश में कर्जे कब से लेने शुरू हुए, किस सरकार ने कितने कर्ज लिए, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे जब हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की प्रथा शुरू हुई थी, उसके बाद हर सरकार ने कर्ज लिए। अगर ताज़ा उदाहरणों की बात करें तो जब 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो प्रदेश पर लगभग 26-27 हज़ार करोड़ कर्ज था और उन्होंने 5 साल में इस कर्ज को जो है 48 हज़ार करोड़ तक पहुँचाया। और हमारी सरकार 2017 में बनी तो 48 हज़ार करोड़ का ब्याज की अदायगी हमने की और उसके बाद विकास को आगे बढ़ाया, जनहित की योजनाएं चलाई। हमारे दौरान यह कर्जा 69 हज़ार करोड़ तक पहुंच गया। तो इनको जानकारी थी इन्होंने क्यों ऐसे वायदे किए जिनको ये पूरा नहीं कर सकते थे। और आज ये कहने के बावजूद भी इन्होंने एक साल में 12 हज़ार करोड़ कर्ज ले लिया, किस काम के लिए? कोई विकास का काम तो किया नहीं, कोई जनहित में योजना तो चलाई नहीं, सिर्फ अपने पर खर्चा करने के लिए। मंत्रियों की कोठियों की रिपेयर हो जाए, कैबिनेट रैंक के लोग, कार्यकर्ता, उनके मित्र दोस्त, वो मौज मस्ती कर लें और सरकार के विज्ञापन जो हैं बड़े बड़े होर्डिंग और उस तरह से सरकार झूठी अपनी वाहवाही करे, उस पर खर्चा हो रहा है। प्रदेश में तो कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, प्रदेश में कोई जन कल्याण की नीति नहीं बनी है। इसलिए मैंने कहा ये सरकार पूरी तरह से फेल है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस एक साल को काला अध्याय मानती है, पूरी तरह से निराशाजनक ये एक साल रहा। सर, एक आरोप आप लोगों पर ये भी है, आप सरकार को चैन से सांस नहीं लेने देते, कभी ऑपरेशन लोटस की बात, कभी स्पष्ट शब्दों में तो कभी संकेतों में, चैन से जीने नहीं दिया आप लोगों ने सरकार को एक साल तक। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कोई सरकार को गिरा देंगे, सरकार के ही कारनामे ऐसे हैं कि सरकार गिर सकती है। हमने तो नहीं कहा उनको ये CPS बनाओ इलीगली। आज अगर उन्होंने इलीगली जो CPS बनाए हैं, अगर अदालत जो फैसला करेगी उस पर निर्भर करेगा। हमने तो नहीं कहा कि आप एक जिले से ज़्यादा मंत्री बना दो, दूसरे जिले से कम मंत्री बना दो। ये जो मंत्रिमंडल गठन में क्षेत्रीय असंतुलन, जातीय असंतुलन पैदा किया, ये माननीय मुख्यमंत्री ने किया, इन्होंने किया। अब उसके कारण उनकी गुटबाजी है, उसके कारण उनके विधायकों में नाराजगी है, और वो नाराज होकर अगर सरकार को छोड़ते हैं, पार्टी को छोड़ते हैं, तो हम क्या तमाशा देखेंगे? हम भी तो राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि ये सरकार की कार्यप्रणाली इस ढंग की है कि ये अपने भार से स्वयं गिर जाएगी। और अभी
आज ही कांग्रेस की पार्टी की प्रदेशाध्यक्षा का जो बयान है कि उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वास में नहीं लेते, इससे बड़ा उदाहरण गुटबा जी का और क्या हो सकता है। सर, कुछ विधायक जो थे, नेता जो पहले कांग्रेस के थे, वो चुनाव से पहले भी चर्चा रही थी कि भाजपा में आएंगे, तो अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मंत्रिमंडल में नंबर नहीं आ रहा है, तो आते हैं वो रणधीर जी के पास कि सर आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं, हमारा कुछ कीजिए। अब नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, विधानसभा कमेटियों की मीटिंग होती है, विधानसभा के सत्र के दौरान सबसे मुलाकात होती है। यहाँ कोई बातचीत की या किसी को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, हर विधायक दूसरे विधायक के मन की पीड़ा को जानता है। हमें भी पता है कि जो चार बार पांच बार बना विधायक है वो मंत्री बनना चाह रहा है, नहीं बन रहा, तो उसके ये तो बिना बोले ही पता लगता है। पर कांग्रेस के लोग तो बोल रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, शेरो शायरी ऐसी कर रहे हैं जिससे मन की पीड़ा उजागर होती है, तो सब समझ में आता है और संपर्क में सब एक दूसरे के रहते हैं, कौन नहीं रहते, सब रहते हैं। सर, विधानसभा में जब सत्र चलता है तो सदन के अंदर भी इस तरह के तंज चलते रहते हैं कि मंत्री नहीं बना रहे, इस तरफ आ जाइए, उस तरफ चली जाइए, तो इससे संकेत मिलते रहते हैं बार बार। फिर नहीं, चलिए वो तो थोड़ा हंसी मजाक भी होता है, परंतु सच्चाई भी ये है कि इस सरकार ने मंत्रिमंडल गठन में क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन पैदा किया है, जिसके कारण कई विधायक जो डिजर्व करते थे हर दृष्टि से, चाहे सीनियोरिटी की बात थी, वरिष्ठता की बात थी, चाहे क्षेत्र के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, जिनको मंत्री बनना चाहिए था उनको इस सरकार ने मंत्री बनाया नहीं, इसलिए निराशा होना स्वाभाविक है, उनमें निराशा है। और कभी भी वो जो निराशा हताशा इतनी बढ़ सकती है कि वो हद सीमाएं क्रॉस हो सकती है। असर, लोकसभा चुनाव आने वाले चंद महीनों का वक्त रह गया है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र एक ऐसी सीट है, न केवल हिमाचल के लिहाज से हॉट सीट है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हॉट सीट है, क्योंकि अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार दावा किया जा रहा है, चूंकि उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई कद्दावर नेता उसी सीट से संबंध रखते हैं, तो दावा किया जा रहा है हमीरपुर के साथ चारों सीट पर इस बार कांग्रेस जीत हासिल कर लेगी, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, हमीरपुर क्या, कांग्रेस इस बार हिमाचल प्रदेश से कोई सीट नहीं जीतेगी। कोई चुनाव लड़ ले, कोई नेता, कोई मंत्री कांग्रेस का चुनाव लड़ ले, किसी को वो चुनाव लड़ा ले, और मैं आपको सच्चाई बताऊं, कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, मना कर रहे हैं, अंत में जबरदस्ती किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे ये पता नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से इतनी तैयारी की है और मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उसका इतना असर है, मोदी जी की सरकार का जो अथाह विकास प्रदेश में हुआ उसका इतना प्रभाव है कि हम हर दृष्टि से चारों सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कहीं नज़र नहीं आएगी। जयराम ठाकुर नाटी डालते तो कांग्रेस के लोगों को परेशानी हो रही है उससे, एक मंत्री कह रहे हैं कि बेगानी शादी में नाच रहे हैं दीवाने होकर और नाटी डाल रहे हैं और नाटी किंग बता रहे हैं वो जयराम ठाकुर को। देखिए, ये उनकी हताशा है, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि जो पांच राज्यों में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होगी, अपनी दुर्गति से बौखलाहट है, बौखलाहट में दिए गए बयान है। नाटी करना बुरी बात नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की सभ्यता संस्कृति का परिचायक है, खुशी के मौके पर ये नाटी करना हिमाचल की रिवायत है और हमारे नेता उस रिवायत को, संस्कृति की परिचय को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। और हमेशा दूसरे की शादी में नाचा जाता है, अपनी शादी में तो कितना नाचा जाता है, इसलिए ये कहीं बेगानी शादी नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है और इतनी ज़बरदस्त जीत है कि उस पर हम नाचेंगे भी, जश्न मनाएंगे भी, और निश्चित रूप से जश्न मनाने से कांग्रेस को तकलीफ होगी जो उनके बयानों से उजागर हुई है। रणधीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा हमारे साथ थे। तो सरकार व्यवस्था परिवर्तन वाली तो है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ऐसा जिससे आम जनता परेशान है, और अगर बीजेपी नाच रही है अपनी जीत में तो इससे कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बौखलाहट और हताशा में दिए गए बयान हैं, ये कहना है रणधीर शर्मा का। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।